अमीरगढ़ तालुका इकबालगढ़ गांव नजीक गुजरात थी राजस्थान तरफ कलर भरी ने जती ट्रक चालक ने ऊंघ नो जोथो आवता स्टीयरिंग पर थी काबू गुमावी दीधो हतो अने ट्रक फोर लेन हाईवे पर उलथी पड़ी हती। जो कि आ घटना में कोई जानहानि थई न हती, परंतु रोड पर कलर धोलाई जाता लाखों रूपियानुं नुकसान थवा पाम्युं हतुं। घटना बाद फोर लेन हाईवे पर ट्राफिक जामना दृश्यो पण सर्जाया हता। तो राज्य में वरसादी वातावरण वच्चे फरी एक वक्त हवामान विभाग ने आगाही सामे आवी छे। हवामान विभागे गुजरात ना अलग अलग जिल्लाओं में 7 दिवस सुधी गाजवीज साथे हळवा थी मध्यम वरसाद ने आगाही करी छे, जेमां 4 जिल्लाओं में भारे त्यांथी भारे वरसाद नुं रेड अलर्ट आपवामां आव्युं छे। गुजरात 3 जिल्ला भावनगर भरूच वडोदरा ने सावधान रहेवानुं अलर्ट आपवामां आव्युं छे। आ जिल्लाओं में 87 किलोमीटर नी झड़पथी पवन फूंकायवानी शक्यता दर्शाववामां आवी छे। आ साथे ज अहीं तोफानी वरसाद वरसवानी पण आगाही करवामां આવી છે। आज एक साउथ गुजरात से साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके कारण आज के लिए जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग भी दिया गया है, वो वलसाड, दमन और दादरा नगर हवेली और सौराष्ट्र रीजन के जामनगर और द्वारका में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है, सूरत, डांग, नवसारी, तापी, यहाँ पर वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। अजमेर और अरावली, महिसागर, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। स्पीड और प्रेशर आज और कल के लिए साउथ गुजरात कोस्ट के लिए फिशरमैन की वार्निंग आज और कल के लिए। जो विंड की स्पीड होगी वो 35 से 45 km/h और साथ में गति की 55 km/h के आसपास रहने का पूर्वानुमान। सर, अभी तक मानसून नवसारी तक था, अभी किस तरह से प्रोग्रेस किया है? कल जो मानसून का प्रोग्रेस हुआ है वो प्रवेश किया है सौराष्ट्र के गिर सोमनाथ, अमरेली और भावनगर, और साथ में जो गुजरात रीजन के है, पहले जो नौसारी। वलसाड जिल्लामां वरसादी माहौल छवायो छे। वलसाड अने आसपासना विस्तारोमां वरसाद वरस्यो हतो। हवामान विभागे पण जिल्लामां वरसादनी आगाही करी हती। तो सवारथी ज जिल्लाना तमाम तालुकामां वादळછાયુ વાતાવરણ છવાયું હતું। 2 કલાકમાં વલસાડ શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં 1 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો હતો। થોડા સમય સુધી વરસેલા ભારે વરસાદને કારણે શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં કેટલીક જગ્યાએ રસ્તા પર પાણી ભરાયા હતા। તો શહેરના મુંગરવાડી રેલવે ગરનાળામાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા હતા। આથી થોડા સમય સુધી રાહદારીઓ અને વાહન ચાલકોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો। વલસાડની સાથે જિલ્લાના ધરમપુર, કપરાડા, પારડી, ઉમરગામ અને વાપી તાલુકામાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ છવાયું છે।